गुड मॉर्निंग बच्चों, आज का जो क्लास है वो हिस्ट्री का क्लास है, क्लास 9 के लिए। और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है और इसका जो टॉपिक है रीज़न ऑफ टेरर, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यह जान लीजिए कि रीज़न ऑफ टेरर का जो टाइम था वो था 1793 टू 1794। यह समय जो है यह इतिहास में रीज़न ऑफ टेरर के रूप में जाना जाता है। यह फ्रेंच इतिहास में यानी रीज़न ऑफ टेरर इज़ अ टॉपिक ऑफ फ्रेंच हिस्ट्री, नॉट इन इंडियन। ओके, तो आपको पता होगा कि रोबिनस्पियर जो थे वह वहाँ के जैकोबिन क्लब के फाउंडर थे। जैकोबिन क्लब में इनका हैसियत जो था वो काफ़ी ऊँचा था और जैकोबिन क्लब ने फ्रांस के इतिहास में काफ़ी अहम रोल प्ले किया, क्योंकि यह जो क्लब था वह साधारण लोगों का क्लब था। इसमें जो लोग थे वह ऊंचे पोस्ट वाले नहीं थे, वह वर्कर थे, ग्रामीण लोग थे, जो कि जैकोबिन क्लब जाते थे। वहाँ देश के समस्याओं पर चर्चा होती थी और वे लोग भविष्य के विषय में बातें किया करते थे। तो ये जैकोबिन क्लब था। 1793 में दे गॉट चांस टू मेक गवर्नमेंट इन फ्रांस, और इस जो अवसर उन्हें मिला फ्रांस में शासन करने का, तो उस शासन चलाने के लिए जो प्रमुख व्यक्ति थे उसमें रोबिनस्पियर थे। रोबिनस्पियर एक साधारण परिवार से आए हुए थे और उन्होंने जैकोबिन क्लब में काफ़ी कुछ देखा। उन्होंने देखा कि फ्रांस की जनता जो है वह बहुत ज़्यादा परेशान थी। क्यों परेशान थी? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो हुआ लेकिन सिर्फ सत्ता में परिवर्तन हुआ। अमीर लोग जो थे वह डेमोक्रेसी में भी उन्हीं को ऊंचे ऊंचे पोस्ट मिले। सिर्फ मोनार्की खत्म हुआ, डेमोक्रेसी आया और उस डेमोक्रेसी में वही लोग ज़्यादातर ऊंचे ऊंचे पोस्ट पर आए। साधारण लोगों का वहाँ पे बोलबाला उस तरीके से नहीं हो पाया जिस तरीके से उनको वहाँ पे स्थान मिलना चाहिए था। अब चूँकि जनता जो थी परेशान थी नई सरकार से, तो फिर रोबिनस्पियर को और जैकोबिन क्लब को सरकार बनाने का मौका मिला और वह सरकार बनाने का कोशिश करती है जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब जो सरकार बनाती है तो उसका जो सोच था वह आम जनता के तरफ ज़्यादा था। यानी आम जनता जैसे कि वर्कर्स, फार्मर्स, इसके अलावे जो छोटे मोटे व्यवसाय करते थे वो सारे लोगों के प्रति इनकी सहानुभूति थी। यह सरकार जो था लोगों की भलाई करने के क्रम में अपने नियम इतने सख्त कर दिए कि लोगों को इस सरकार से ही परेशानी होने लगी। जैसे कि जैकोबिन क्लब ने सारे ऊंचे ऊंचे पोस्ट जो बड़े लोगों के पास था उससे छीन लिया गया। साथ ही साथ इसने इक्वलिटी समाज में लाने का प्रयास किया और इक्वलिटी लाने के क्रम में साहेब, सर और मैडम
यह उच्चारण को भी इन्होंने समाप्त कर दिया। अब नो वन कैन से अदर टू सर और मैडम, सीटोई और सीटोनी शब्द का इसने प्रचलन में लाने का प्रयास किया। ठीक है, दूसरा जो था कि जो किसान वर्ग था, किसान जो था उसके लिए परेशानी इनसे ये हो गई कि सारे जनता को, फ्रांस के सारे जनता को भरपेट भोजन करवाने के लिए ज़रूरी था कि किसान जो है सो अपना अनाज जो है सो कम कीमत यानी सरकार को दे। अब सरकार को जब दे तो सरकार ने मूल्य नियंत्रण करना स्टार्ट कर दिया और सरकार ने निश्चित कर दिया कि किसान अपना अनाज जो है सो सरकारी ऑफिस में या सरकारी विक्रेता केंद्र पर ही बेचेंगे। दूसरा, आम जनता के लिए सरकार ने नियम बना दिया कि हर आदमी को राशन जो है सो राशन की दुकान से मिलेगा, यानी उसे अनाज, ब्रेड, मीट यानी गोश्त जो है वो भी सरकारी दुकान से मिलेगा, और एक आदमी के हिसाब से कितना मिलेगा ये भी तय कर दिया गया। ठीक है, तो भोजन में इक्वलिटी लाने का प्रयास किया गया, भोजन की मात्रा तय कर दी, और यही जो था वहाँ के आम और खास दोनों लोगों को परेशान करने लगा, क्योंकि जो अमीर लोग थे उनको लगता था कि इफ़ आई कैन पे मोर मनी देन वाई नॉट आई शुड गेट मोर मीट वेजिटेबल्स। तो यह बातें जो थी वह उनको विरोध करने के लिए प्रेरित करता था। किसान लोग इसलिए परेशान हो गए क्योंकि वह अगर अपना अनाज सरकार के हाथों बेचेंगे तो उनको कम कीमत मिलना था और मार्केट में बेचने पर उनको ज़्यादा पैसा मिलता। तो ये ऐसी बातें थी जिससे कि वहाँ की जनता परेशान हो गई। अब परेशान जनता विद्रोह करेगी, तो इसके लिए उसने सख्ती करना स्टार्ट कर दिया। सख्ती क्या, कि जो भी रॉबिन्स फेयर की बातें नहीं मानता तो उसके लिए सरकार जो थी वह उसको कैद कर लेती और उसको गुलेटिन पर चढ़ा देती। और गुलेटिन पर चढ़ाना यानी उसकी जीवन का खात्मा कर देना। और इस तरीके से यह 1 साल यानी 1793 से 1794 यह देखने में लगता है 1 साल, लेकिन रॉबिन्स फेयर का कार्यकाल लगभग 15 महीने का था। और इस 15 महीने में रॉबिन्स फेयर जनता से परेशान था और जनता रॉबिन्स फेयर से परेशान था, और रॉबिन्स फेयर को भी गुलेटिन पे चढ़ा करके मार दिया गया। और इस तरीके से रीजन ऑफ टेरर यानी आतंक के काल का अंत हुआ। थैंक यू।